यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मुझे लगा था मैं नहीं पहुँचूंगी क्योंकि मैं इतना डरती हूँ इन सब। तू है डिफरेंट। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारे ब्लॉग्स भी अच्छे लग रहे होंगे। तो अभी 6:30 बज गया है, आज उठने में थोड़ा लेट हो गया। सोचा था 5:30 बजे उठेंगे, सनराइज देखेंगे, बट नींद ही नहीं खुला। अभी जा रहे हैं एक व्यू पॉइंट, तो यहाँ से वॉकेबल ही है तो इसलिए सोचा कि जाते हैं। कल रात को ही सोचा था, लेकिन रात को ऐसे जंगल से जाना रिस्की होता है, तो इसलिए हम लोग सुबह का प्लान बनाए। तो चलिए फिर चलते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आई होप हमारे ब्लॉग आपको बहुत 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 अच्छा लगे। तो ये है रास्ता जिससे हम कर रहे हैं ये छोटी सी हाइक, और मैं पहन के आ गई हूँ घर वाले स्लीपर्स क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसे ऊपर चढ़ना है। मुझे लगा रास्ता ही होगा प्लेन व्यू पॉइंट के लिए, बट ये थोड़ी चढ़ाई है सुबह सुबह। देखते हैं चढ़ते चढ़ते कहाँ जाते हैं। अभी थोड़ा प्लेन रास्ता दिख रहा है, वैसे वहाँ तक जाना है। पीछे आ रहा है कौस्तुभ। काफी रास्ता है, पहुंच चुके दिख रहा है मुझे हमारा डेस्टिनेशन। तो पहुंच गए हैं हम यहाँ पे, यही हम लोग का डेस्टिनेशन है। अरे इसके ऊपर भी है व्यू पॉइंट। नीचे वाले लोग यहाँ पे वॉक करके आते हैं। सोचो ये एक मॉनेस्ट्री है, वो मॉनेस्ट्री बहुत ही प्रिटी है, और कितने फूल, सुंदर जगह है ये। पर यहाँ से व्यू नहीं दिख रहा क्योंकि आज पूरा क्लाउडी है। अगर क्लाउडी ना होता तो शायद हमें बहुत अच्छा व्यू मिलता कल जैसा। कल फिर से ट्राई करेंगे, होपफुली दिख जाए। तो अभी यहाँ से और ऊपर चल रहे हैं, देखते हैं इसके ऊपर कैसा व्यू पॉइंट है। और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स, ये कलर ही एकदम अलग है, हमारे वहाँ पे मिलते ही नहीं। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि सुबह के 6:30 बजे हमें इतना अच्छा व्यू ये सब दिख रहा है। छोटा सा यहाँ पे ऐसे ही रैंडम फ्लावर्स हो जाते हैं। अभी हम लोग और एक जगह जा रहे हैं, बस थोड़ा चाय वाय पीने। वहाँ पे सुना है कुछ दुकान वकान है। ये एक्चुअली इतना रिमोट एरिया है ना, तो यहाँ पे ऐसे छोटी मोटी दूर दूर से दुकान है दूर दूर पे। पर रास्ता तो काफ़ी सुंदर है, पर थोड़ा दुकानें ऐसी होती हैं बहुत क्यूट सी लगती है। चाय पीने के लिए मैगी वाई वाई ये सब मिलता है यहाँ। और यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे। अभी मेरी हालत तो कुछ अच्छी नहीं लग रही है, ऐसे बाल बाल पर ख़राब हो गए हैं। पियेंगे चाय, फिर होंगे फ्रेश, फिर निकलेंगे और साइट सीइंग। तो ये है हमारी चाय। तो चाय वाय पी के हम लोग आ गए हैं अपने होम स्टे, और यहाँ पे अब कुछ देर फ्रेश फ्रेश होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर 9:30 बजे तक साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। तो अब चलते हैं, जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, नहाते आते हैं और फिर आपसे बात करेंगे जब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जाएँगे साइट सीइंग। क्या हुआ? मैं अपने पैर और हाथ का शेप कंपेयर कर रहा था। ये
अच्छा ब्रेकफास्ट है। हम लोग आ गए हैं लावा। तो लावा एक जगह है काफ़ी सुंदर और काफ़ी ज़्यादा ऊपर। इस यहाँ पे ठंड है लिटरली। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये जगह थोड़ा घूम। तो अभी हम लोग यहाँ पे, ये एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी हम लोग पी रहे हैं चाय विद अ व्यू। नीचे जो शहर है वो लावा है क्या? जी लावा है। तो पहुंच चुके हैं छांगे फॉल्स। ये है रास्ता जाने का। रास्ता तो दिखा दो। वही दिखा रहे हैं गाइस को, हम सब दिखाएंगे। सब दिखा रहे हैं। एक सेकंड रुको, फूल से डालना दे। यहाँ वाटरफॉल की आवाज भी आ रही है। यहाँ पे सामने, पहले वहां से हम आए हैं, सामने टिकट काउंटर है, जाने के लिए टिकट्स भी काटना पड़ेगा। पहले जब कॉस्टक पहले आया था तब टिकट्स का कुछ नहीं था, अब तो हो गया है। हम अभी जा रहे हैं, आपको जाने का पूरा रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आई होप वाटरफॉल अच्छा हो। तो अभी हम लोग ये रास्ते से जा रहे हैं। पानी है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा कि कैसा है ये प्लेस। हवा तो बड़ी ठंडी है। देखो हम आ गए एकदम फॉल्स के सामने, ऊपर से गिरते हुए पानी यहाँ पे आके जम रहा है। और गॉल वहाँ पे डरपोक की तरह खड़ी है, आपको दिखाते हैं, इसके आगे आ नहीं पा रही है। मैं तो ऐसे खड़ी हूँ बोल डरते। मैंने यहाँ तक पहुँच गई हूँ, मुझे लगा था मैं नहीं पहुँचूँगी क्योंकि मैं इतना डरती हूँ इन सब पानियों वाली चीज़ों से, मेरे को हाइड्रोफोबिया है। बट दिस गाय वो मेरी बात एकदम नहीं सुनता, ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लेके आता है। अब सिर्फ पानी देखो बैकग्राउंड में। तो पहले वो जो वाटरफॉल था वो यहाँ जम रहा है, फिर यहाँ से उस गुफा में जा रहा है। वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, पर वो ये वाटरफॉल का पानी ऐसे 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 आके वहाँ जा रहा है। सुंदर था, मतलब बर्फ इतना नीचे आया लग रहा है। तो बाकी अभी घूमते हैं और ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा थोड़ा, चढ़ते हैं और जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप।
कुछ कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। ये है जमा हुआ पानी, यहाँ पानी जम रहा है, फिर यहाँ, फिर वहाँ से होके वहाँ। देखो गाइस डॉल की हालत बुरी बुरी हालत अभी भी बहुत चढ़ाई है। और मेरी हालत देखो, मैं तो बचपन से ऐसे पहाड़ों में, तो मुझे ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हाँ अभी मैं तो ऐसे हाइकिंग मतलब हर दिन सुबह उठ के ऐसे ही करता हूँ। तो हाय गाइस, तो फाइनली ये छोटा सा हाइक हम लोगों ने कर लिया। मतलब ये तो कर लेता मुझे पता है, पर मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मतलब मैं ब्लॉग भी नहीं कर पा रही थी, ऐसे ही पहले मैं चढ़ जाऊँ पर उसके बाद सब ब्लॉग ब्लॉग कर लिया। फिर बहुत देर रेस्ट लिया, अब थोड़ा बोलने लायक हालत हुई है, तो इसीलिए कर रहे हैं। फाइनली हो गया, तो जाएंगे नेक्स्ट। लोग ब्रेक लिए हैं, थोड़ा लंच करेंगे, टाइम हो रहा है 2, तो लंच करके फिर काफ़ी रास्ता है नीचे जाना है, तो इसीलिए देखते हैं कहाँ खाएंगे। अभी जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भीड़ होगा वहीं खाएंगे, वहाँ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे तो होटल रेस्टोरेंट दिख रहे हैं हमें, देखते हैं रेस्टोरेंट। आज जो मैं हाइक की हूँ, बाप रे, मुझे तो लगा मैं वहीं पर कैसे पहुँचूँ। पूरी बाबा यहाँ तो बहुत भीड़ है, यहाँ स्कूल है, एक्चुअली स्कूल का आवाज़ है। तो अभी हम लोग एक टी जंक्शन करके रेस्टोरेंट में आए हैं, वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे, नॉर्मल सिंपल दाल और राइस। तो खाते तो ये है हमारा आज का लंच, थाली। ये है एक सब्जी, ये है चिकन, ये है दाल। हमारा लंच हो चुका है, काफ़ी अच्छा लंच था। इतना अच्छा डिफिकल्ट हाइक करने के बाद इतना अच्छा लंच खा के काफ़ी बेटर फील हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस कालिम्पोंग, वहाँ पे कुछ साइट सीइंग करेंगे, फिर बैक टू होम स्टे। रेस्टोरेंट में हम लोग लंच किए, तो अभी हम लोग आ गए हैं एक मॉनेस्ट्री। तो मॉनेस्ट्री तो जैसे होता है सब जगह सेम ही होता है, तो देखते हैं। यहाँ से एक्चुअली व्यू काफी सुंदर आता है। आर्मी ट्रेनिंग बैग, अंदर का गेट बंद था तो अभी खुला है, तो मैं एक बार अंदर जाके देखती हूँ। अंदर फोन शायद अलाउड नहीं है, तो मैं बस ऐसे ही अंदर जाऊंगी। तो अभी हम आ गए हैं पाइन व्यू नर्सरी। तो यहाँ पे है कैक्टस। ओ अंदर जा सकते हैं? उनको आने दो। कि हम लोग आ गए हैं पाइन व्यू नर्सरी, जहाँ पे काफ़ी सारे कैक्टस है डिफरेंट तरह के, तो वही हम लोग देखेंगे। वो है डिफरेंट तरह के कैक्टस, बहुत गर्म है अंदर।
ये कुछ और वैरायटी। अंदर इतना गर्म है कि जाना मतलब एकदम पॉसिबल नहीं है। कुछ रोजेस भी हैं अच्छे वाले। ये सारे कैक्टस है। ये इसको देखो गाइस, कैसे अजीब सा कैक्टस है। ये भी वैसे जिंदगी में पहली बार देखा है मैंने। रास्ते के साइड में भी यहाँ पे भी ग्रीन हाउस पैक करके रखा हुआ है। ये देखो गाइस अंदर और एक कैक्टस। वैसे इसके अंदर जा नहीं सकते, ये वाला गेट बंद है। इसके अंदर भयंकर बड़ा बड़ा कैक्टस है, इतना सारा। यहाँ पे आप लोग कुछ खा पी सकते हैं और ये तो फुल व्यू है ऑफ द प्लेस। बहुत प्रिटी प्लेस है। ये हमने देख लिया है, काफी छोटा सा प्रिटी सा था और अभी जाएंगे नेक्स्ट प्लेस। तो चलते हैं। तो गए हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप जो कि है मंगल धाम। ये एक कृष्ण मंदिर है। तो ये आ गए हम लोग यहाँ पे, आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये ऐसे दिखता है। एंट्री गाइस। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही आए होम स्टे में। तो अभी जस्ट फ्रेश होके मैं थोड़ा बाहर निकली हूँ यहीं आसपास ही। तो बाहर एक्चुअली अच्छा लगता है, थोड़ी हवा आती है। और घर पे तो हम ऐसे भी अंदर तो रूम के रहते ही हैं। तो अभी आज यहाँ लास्ट डे है, कल हम लोग का कल हम लोग का ट्रेन है 3 बजे। तो हम लोग तो चले जाएँगे, तो इसीलिए आज लास्ट डे एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करके मज़े करके जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग को भी ऐसे ऑफ बीट प्लेस पसंद है, शांति वाली जगह पसंद है, तो आप लोग ज़रूर यहाँ आइएगा। ये बहुत अच्छी जगह है। मतलब मुझे ऐसे ऑफ बीट प्लेस काफ़ी पसंद है, इसलिए मुझे ये अच्छी लगी। मुझे इतना शोर शराबा वो सब पसंद नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। यहाँ आस पास बस ये पूरे विलेज में 3 ही जगह है, मतलब 3 ही घर है। तो एक तो हम लोग का होम स्टे है और 2 ऐसे आसपास। तो ये अच्छा लगा हमें काफ़ी। चाय पी लेते हैं शाम का चाय। तो ये है मेरा चाय। मेरे को मन कर रहा था वाई वाई खाने का, तो मैं कौस्तव को ज़बरदस्ती लेके आई यहाँ पे। यहाँ पूरा खाली खाली है एक्चुअली, और इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। तो यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। हाय गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 9 और हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। आज डिनर काफ़ी जल्दी करेंगे क्योंकि इवनिंग में कुछ खास वैसा खाया नहीं है। और बाहर और भी गेस्ट आज आ गए हैं। कल तो होम स्टे में बस हम ही दोनों थे और आज बाकी लोग भी हैं। तो चलते हैं फिर डिनर करने। Why are you laughing? आज डिनर में है राइस, दाल, चिकन। कल सुबह आलू दम। Hi guys, तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में और सोने जाएंगे। काफी टाइम हो गया है,
तो अभी तो सब सो भी जाते हैं। इन सब जगहों में ना क्या होता है, लोग जल्दी खाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। हम लोग तो वैसे भी जल्दी सोते हैं और जल्दी खाते हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल तो हमारी ट्रेन है वापस जाने की, वैकेशन ओवर। थोड़ा सैड फील हो रहा है कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, मैं इतनी देर से वेट कर रही थी। तो फिर से होगा, नेक्स्ट वैकेशन प्लान करेंगे और नेक्स्ट वैकेशन में जाएंगे। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाई।